सीन की। अब जाने मास कहाँ पे पड़ा हुआ से यहाँ मेरे को कम से कम यहाँ 25 साल से ऊपर हो गया। तो कैसा एक्सपीरियंस यहाँ रहा आपका, भट्टीजन में क्या रहे आपके? भट्टीजन मालकों की ड्यूटी करते हैं। कुछ मौजे आपकी नजरों से गुजरे? कुछ मौजे गुजरे? नहीं, हमारी कोई खास नहीं। नहीं मतलब कोई मौजे देखी जो नहीं होना चाहिए जो हो गई ये नहीं बता सकते। नहीं देखी है कि नहीं ये बोल दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ जी, कुछ भी आप मोरा के आप कुछ हो आप मैं बोल नहीं सकता। नहीं मैंने देखा तो यही पूछना चाह रहे। अभी भी आपको बताऊँ मैं जी हम लोग फकत आए इसीलिए कि हमने जो लोग उसको भी फेस हो और हमने भी हो। आपकी अगर बताओ मेरे को हुक्म नहीं होता। नहीं वो तो सही है, सही है। बाकी आप ये बताओ कि इतने सालों से आप यहाँ आपकी ज़िंदगी में किस तरह चेंज आया? मेरी सबसे अच्छी ज़िंदगी गुजरी जब से यहाँ मालिक के दरवाजे पे आए। आज हम हैदराबाद में और अली की कदमगाह पर हैं। पहले मैं इसकी ज़ियारत करवाता हूँ, फिर आपको मैं इसकी डिटेल देता हूँ। ये जो पत्थर है ये पूरा जानमाज की तरह है। ये शेर के पंजे हैं, ये वाले शेर के पंजे हैं। और यहाँ पे जो है मौला के ये घुटने के निशान हैं। इस जगह पे ये घुटने के निशान है, इसी तरह उधर भी है। और ये उनके पांव के निशाने एक के, ये एक पांव के निशाने के, इसी तरह दूसरी तरफ भी है। ये पूरा जानमाज है जो मौला अली की कदमगाह कहलाता है। आए अब आके इसको देखता हूँ। अभी जो आपने ज़ियारत की है मौला अली के, बेसिकली ये एक जानमाज था। मौला अली ईरान में, अभी वो जगह नहीं हमें मालूम हो सकी है, ईरान में जो थे वो उन्होंने एक जगह पर जो है नमाज़ पढ़ी थी। वो पूरा जानमाज इसलिए बना हुआ है, वहाँ पे मौला अली जिस तरह खड़े हुए थे, घुटने रखे थे और सजदे में गए थे, वो पूरी जो है वो उसकी छवि जो है वह बनी हुई है कि उनके पाँव के दोनों पाँव जो है वो चपे हुए, उनकी उंगलियाँ भी, फिर घुटने भी, फिर हाथ भी और माथे की जगह भी। और इसी तरह जो है साथ में उनके शेर होता था वो भी बैठा हुआ था, उसके भी पंजे जो है छपे हुए हैं। तो किस्सा यह है कि तागूर ख़ानदान तकरीबन 300 साल पहले या 250 से 300 साल पहले जो है वो सिंध में हुकूमत करता था। वो अक्सर जो थे वो ईरान के थ्रू जो है वो काफलों के थ्रू जो है वो करबला तक जाते थे। तो बड़े लोग थे उस वक्त, बड़े वो थे बादशाह नुमा थे या बादशाह कहलाते थे। तो वो जब सफ़र करते थे तो बड़े काफलों में करते थे। तो अक्सर जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ के जो भी अमीर होता था, जब बादशाह होता था, उससे मिलते हुए जाते थे तो उनको प्रोटोकॉल वगैरह मिलता था। तो ईरान के बादशाह ने जब देखा कि इनकी इतनी अकीदत है तो उन्होंने इनको ये जो थी जगह जहाँ मौला अली ने नमाज़ पढ़ी थी ये पूरी जो है उनको इसी तरह ज़मीन से खुदवाई। तकरीबन इतना मोटा साइज़ है उसका, 1 से 1.5 फुट का जो है पीस जो है वो पूरा ब्लॉक निकाला गया, पूरा जानमाज की शक्ल में वो यहाँ पे गिफ्ट किया गया। पहले जो थी शुरू में इब्तदा में यहाँ रखा गया, तारगुल ख़ानदान जो है वो इसको टेक करता रहा, टेक ओवर रहा इसके, और जब तक वो उनके ख़ानदान में चलते रहे ये सिलसिला चलता रहा। फिर जो आखिरी उनके थे उन्होंने जो है वो यहाँ दूसरों को ये चीज़ जो है मुंतकिल की और ये जगह भी इस कदम गा के लिए जो है वक्फ करके उन्होंने आगे दे दिए। अब जो है वो इसको जो करंट जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। रही बात मौला अली जो है वो सिंध में आए और उन्होंने क्या किया, आज मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जिससे मैं आपको और हिस्ट्री दूंगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हैदराबाद का किला है जी,
ये जो किला है, ये अभी हम वहाँ से अब दिखाने की कोशिश करेंगे फिल्म आपको। ये जो किला है, ये मौला अली ने फतह किया था और हैदराबाद का जो पुराना नाम था वो नेहरून कोर्ट था। जब मौला अली यहाँ पर आए, जो हमें तकरीबन हिस्ट्री में जो इनके शवाहिद मिलते हैं वो है 1365 या 1365 से 70 साल गुजर गए इस बात को जब आए थे। उन्होंने ये नेहरून कोर्ट को जो है फतह किया था और यहाँ अपने नाम का जो है वो झंडा लगाया था, यानी कि इस्लाम का झंडा लगाया था। उसके बाद वो यहाँ से आगे निकले थे, तो तब जो है वो उनके जाने के बाद लोगों ने जो है वो इस जगह का नाम जो है वो नेहरून कोर्ट से हैदराबाद कर दिया था। तो ये बिल्कुल किले के करीब है, मौला ने वहाँ भी नमाज़ पढ़ी है, इबादत की है, कुछ अर्सा ठहरे हैं। पर ये जो चीज़ है जो लोगों को अक्सर जो है वो इसकी हिस्ट्री नहीं पता है, आज मैंने आपके सामने क्लियर किया है। ये जगह बेसिकली जो है वो तालपुर ख़ानदान की है और उन्होंने जो है वो अब जो लोग करंट बॉडी जो चला रही है उसको मुंतकिल कर दी है। ये सारी यहाँ की जायदाद निज़ाम वगैरह हर चीज़ है। जगहों के जो हैं वो तबरुकात भी रखे गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है वो करबला के कुछ मार्बल रखे हुए हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ इमामों के दर के जो हैं वो यहाँ पे भत्ता रखे हुए हैं, शाम से ला के कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे गुला अली असगर के नाम का रखा हुआ है, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं लोगों के लिए तबरुक के तौर पे। जो लोग आम दिनों में या आम वक्तों में नहीं देख पाते वो जब यहाँ पर आते हैं तो इनकी ज़्यारत करते हैं। इसी के साथ अगर मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और इससे अच्छी मालूमात आप जानते हो तो ज़रूर मेरी स्टार करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।